मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स। कल आपने पढ़ा था, कल के लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी एक क्लाउड के लिए या 2 पॉइंट चार्ज के लिए या 3 पॉइंट चार्ज के लिए स्थित ऊर्जा। आज हमारा टॉपिक है सम विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत ध्रुव की स्थित ऊर्जा। ये एग्जाम इलेक्ट्रिसिटी से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आया हुआ भी है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, पहले तो क्या है स्थित ऊर्जा क्या होती है और साथ में जुड़ के आता है सम विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत ध्रुव के लिए स्थित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें किसी विद्युत ध्रुव को अनंत से लाकर किसी विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने के लिए क्या लगा दिया, द्वि ध्रुव की स्थित ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी विद्युत ध्रुव को अनंत से लाकर विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत ध्रुव को अनंत से लाकर विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने के लिए किया गया कार्य द्वि ध्रुव की क्या है स्थित ऊर्जा कहलाती है। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स फॉर्म, किसी सम विद्युत क्षेत्र में द्वि ध्रुव शून्य स्थितिज ऊर्जा एन थीटा बराबर 9 डिग्री से विस्थापित करने में किया गया कार्य द्वि ध्रुव की स्थित ऊर्जा कहलाती है। तो हम देखो ये लिख दिया, लिखने के बाद हम डायग्राम आते हैं। ये क्या है विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी, ठीक है। तो यहां पे तो क्या है माइनस क्यू आवेश, ये क्या है प्लस क्यू आवेश, ये कौन क्या है थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये विक्षेपण रेखा है, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये एंगल क्या है थीटा बराबर 90 डिग्री, अंतर परिभाषा से द्विध्रुव की दिशा क्या होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, यानी माइनस बी से प्लस बी की ओर। अंतर परिभाषा से द्विध्रुव को थीटा कोण से स्थापित करने में क्या गया कार्य, अंतर परिभाषा से द्विध्रुव को थीटा कोण से स्थापित करने के लिए द्विध्रुव को क्या है थीटा कोण से स्थापित करने के लिए स्थित ऊर्जा होगी। क्या लिखा है परिभाषा से द्विध्रुव को थीटा कोण से मतलब स्थापित करने के लिए स्थिति ऊर्जा होगी। तो W बराबर U इंटीग्रेशन 90 डिग्री से थीटा टो डी थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। चूंकि टो बराबर यहां पे क्या है पीई साइन थीटा, तो टो का मान यहां पे रखेंगे W बराबर U 90 डिग्री से थीटा यानी पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पे डब्ल्यू बराबर यू साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस थीटा यानी पी ई माइनस का कोस थीटा, लिमिट क्या है 90 डिग्री से थीटा, तो पी ई माइनस का कोस थीटा और माइनस माइनस प्लस कोस 90, और कोस 90 का मतलब यहां पे क्या होता है जीरो, ठीक है। तो क्या हो गया यू बराबर माइनस पी ई कोस थीटा, ये तो क्या है
स्थिति दूर से आ गई। अब वेक्टर के रूप में डिनोट करेंगे तो u बराबर क्या हो गया, माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर, ठीक है, ये स्थिति दूर से आ गई सदिश रूप में, ये स्थिति दूर से आ गई सदिश रूप में, यानी माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर। अब स्थितियां निकालेंगे, ये इक्वेशन कौन सा है, मान लो a मान लो, ठीक है। अब इस पर हम क्या केस रख के देखेंगे, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। सबसे पहले हम फर्स्ट केस रखेंगे, केस फर्स्ट क्या है, यदि थीटा बराबर क्या होगा, पहले तो हम क्या 0 डिग्री के रखेंगे, फिर 90 डिग्री रखेंगे, फिर थीटा का मान पाई रख के देख लेंगे, फिर 180, ठीक है। यानी यदि थीटा बराबर क्या है 0 डिग्री है तो p वेक्टर क्या है, पैरेलल किया होगा e के, ठीक है। यानी cos थीटा बराबर क्या होगा, cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है 1, ठीक है। तो u बराबर क्या होगा, माइनस p वेक्टर डॉट e वेक्टर अक्रॉस 1, यानी माइनस p e डॉट p, ये मैक्सिमम मान आ रहा है, u बराबर माइनस p वेक्टर डॉट e, यानी माइनस p e। तो लिखेंगे क्या, अंत साम्यावस्था में, साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होगी, इसको क्या डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं। देखो ये पॉइंट ए मान लिया, दूसरा पॉइंट बी मान लिया, ठीक है, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये विक्षेत्र, ठीक है। तो समझ गए, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी, इसमें माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, ये विक्षेत्र की दिशा है, ठीक है। यहाँ पे पी की दिशा क्या है, माइनस से प्लस की ओर, ठीक है, ये डायग्राम हो गया, ये केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड पढ़ते हैं, देखो केस सेकंड में होता है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो पी वेक्टर लंब क्या है, मतलब लंबवत है, ठीक है, यानी कोस थीटा, यानी कोस 19 इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। तो कोस 19 यहां पर रख के रखेंगे, ये होता, ये समझ गए होंगे। अब इसको इरेज कर देता हूं, देखो टेबल यहीं देख लो, तो ये क्या करता है, u बराबर 19 हम रखेंगे तो ये 0 आ गया। अंतर द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की लंबवत होने के कारण स्थिति ऊर्जा क्या है, शून्य होगी। अंतर ये यहाँ पर लिखते हैं ऊपर, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ पे देखो रिपीट करता हूँ वापिस, क्या हम केस सेकंड पढ़ रहे हैं, तो कोस 19 का मान क्या है 0, यानी कोस 0 रखेंगे तो यू का मान क्या हो गया 0, यानी स्थिति ऊर्जा क्या है 0 होगी। अंत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत होने का, लंबवत होने का स्थिति ऊर्जा शून्य होगी, शून्य होगी, तो स्थिति ऊर्जा शून्य होगी। तो इसको डायग्राम से कैसे क्या दिखाएंगे, देखो, ठीक है, इस प्रकार क्या है
डायग्राम से दिखा देंगे। ये तो विद्युत क्षेत्र की है, ठीक है, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और ये क्या है, विद्युत की दिशा डायरेक्शन, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री होने के कारण तो क्या है, इसका मान स्थितिज जीरो होगी। तो इस प्रकार के इसको दिखा देंगे, ये केस सेकंड हो गया। अब केस थर्ड देखो, केस थर्ड में क्या लिखेंगे, यदि थीटा इज इक्वल टू पाई या 180 डिग्री हो तो, मतलब थीटा का मान लिया तो पाई या 180 डिग्री हो तो द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की क्या है, प्रतिसमांतर होगा, अंतर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर होगा, प्रति समांतर होगा। अब हम थीटा का मान पाई रखें 180, तो कोस थीटा और कोस पाई बराबर क्या होता है, माइनस वन। अब ये हमारी इक्वेशन पुट करेंगे, यानी यू बराबर क्या होगा, माइनस पीई क्रॉस माइनस वन, और माइनस वन माइनस वन प्लस वन, तो यू बराबर क्या हो गया, पीई, यानी यू का मान क्या हो गया, पीई आ गया, ठीक है। ये मान क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अंतर द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर होने पर, समांतर होने पर स्थितिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। इसको डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, जो फर्स्ट में डायग्राम आया था उसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ए लिया था, यहाँ पे पॉइंट बी ले लेंगे, यानी क्या है, प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे क्या है, पॉइंट ए ले लेंगे, यानी माइनस क्यू आवेश, ये क्षेत्र की दिशा होगी, ये दिशा थी, ठीक है। अब ये दिशा दिखा देंगे द्विध्रुव की, ये समझ में आ गया होगा, समविद्युत क्षेत्र या द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। पहले लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 90 डिग्री से क्या स्थापित करने में क्या क्या कार्य है, डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, फिर क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा दिखाएंगे, चित्र कोण से उसको स्थापित करेंगे, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगी, यू बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 90 डिग्री थीटा तो थीटा तो का मान रख देंगे, स्थिति ऊर्जा निकल के आ जाएगी। फिर इस पर क्या है, केस अप्लाई करेंगे, ए बार तो केस अप्लाई करेंगे, थीटा का मान 0 डिग्री और फिर 90 डिग्री फिर पाई आर 180 डिग्री, तीनों केस निकाल दी, ठीक है, समझ में आ गया, ध्यान से देखना इसको और वापिस घर पर जाके एक बार वापिस वीडियो को देखना, ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक क्या है, ये क्या है, हम चैप्टर नंबर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर रहे थे, वो चैप्टर हमारा क्या खत्म हो गया है, कल हम इससे अगले वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।